हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजर। हाँ तो गाइस, जितने भी प्रभास अन्ना सर के फैन है, कल की 2898 एडी के फैन है, काफी लोगों ने मुझसे कहा है कि हर्ष भाई, वीडियो का जो ड्यूरेशन है थोड़ा सा छोटा ना हो, और जो भी अपडेट्स है आप हमारे साथ शेयर करें, लाइक बुकिंग के बारे में, रिलीजिंग के बारे में, और कुछ ट्रेलर से रिलेटेड अपडेट निकल कर आ रही है उसके ड्यूरेशन के बारे में, तो आप हमारे साथ शेयर कर दें। तो गाइस फटाफट से बात कर लेते हैं अपडेट के बारे में, क्योंकि ड्यूरेशन भी काफी छोटा रखना है। तो गाइस अपडेट जो निकल कर आ रही है इसकी, जर्मनी की रिलीजिंग के बारे में, जो कि ऑफिशियली लेवल पे अनाउंसमेंट कर दिया है उसे कौन रिलीज कर रहा है, और ट्रेलर के ड्यूरेशन के बारे में। तो पहले अपन बात कर लेते हैं जर्मनी के रिलीजिंग के बारे में, कि जर्मनी में कल की 2898 एडी को कौन रिलीज कर रहा है। पहले आप ये पोस्टर देखें, जर्मनी के डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑफिशियली लेवल पे ये पिक्चर शेयर किया है, जो कि ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, लेकिन जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो काफी ज्यादा यूनिक है। हां तो भाई, जर्मनी में कल की 2898 एडी को पावरफुल लेवल पे जो रिलीज करने वाले हैं वो करने वाले हैं थ्री रियल्म्स एंटरटेनमेंट। तो भाई सब जो प्रोडक्शन हाउस है, जो जिसके अंडर में ये रिलीज हो रही है, उनका जो नाम है काफी ज्यादा यूनिक है, थ्री रियल्म्स एंटरटेनमेंट। और आप देख सकते हैं ये पोस्टर, भाई सब डिस्ट्रीब्यूटर ने जो थिएटर का काम का संभाले, उन्होंने ये पोस्टर शेयर किया है। काफी तगड़ा कॉन्सेप्ट है कल की मूवी की टीम का, और जो यूएसए के डिस्ट्रीब्यूटर है प्रत्यंगिरी सिनेमा, यूके के हैं, अब जर्मनी के भी हो गए, और मल्टीपल ओवरसीज में कल की 2898 एडी को पावरफुल लेवल पे, मतलब कि खतरनाक लेवल पे रिलीज किया जाने वाला है। और ये तो बात हो गई है रिलीज के बारे में कि कल की मूवी को जर्मनी में कौन रिलीज कर रहा है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि ट्रेलर से रिलेटेड क्या अपडेट निकल कर आ रहा है उसके ड्यूरेशन के बारे में। तो गाइस अभी ये जो अपडेट निकल कर आ रहा है, लेटेस्ट बज निकल कर आ रहा है, मतलब कि बोला जाए उड़ता उड़ता तीर निकल कर आ रहा है, ट्रेलर का जो ऑफिशियल ड्यूरेशन होने वाला है वो होने वाला है 2:47 के अराउंड का होने वाला, यानी कि 2:47 के अराउंड का बताया जा रहा है, ये लेटेस्ट बज निकल कर आ रहा है। लेकिन अभी तक मूवी की टीम डायरेक्टर नाग अश्विन सर ने ऑफिशियली लेवल पे कंफर्मेशन नहीं किया है कि ऑफिशियल ट्रेलर का ड्यूरेशन कितना होने वाला, उसका लेंथ कितना होने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं ना, ये जो अपडेट निकल कर आ रहा है काफी हेवी सोर्सेज की तरफ से आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है, मतलब कि अगर देखा जाए ना तो अंडर 3 मिनट के अंडर ही इसका ऑफिशियल ट्रेलर होने वाला, यानी कि 2:47 के अराउंड ही इसका ऑफिशियल ट्रेलर होने वाला। और आप लोगों को पता ना ट्रेलर कब आने वाला है, क्या करते हो यार, प्रभास अन्ना सर के फैन हो यार, 10 जून को आने वाला है, पता होगा यार, मूवी की टीम ने अभी 2-3 दिन पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था, इतना तो याद रखा करो। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं ना, ट्रेलर भले 1 मिनट का दे या 2 मिनट का दे या 2.5 या 3 मिनट का दे, लेकिन उसमें जो एक्शन थ्रिलर होने वाला है काफी ज्यादा अल्ट्रा ओवरलोडेड होने वाला है, जो कि इंडियन सिनेमा को काफी हेवी गूस बम देने वाला है। बाकी गाइस आप लोग हमें बताएं कल की 2898 एडी के ऑफिशियल ट्रेलर के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और आपके क्या ओपिनियन है जर्मनी के रिलीज के बारे में, और इसके ट्रेलर के ड्यूरेशन के बारे में क्या लगता है, अपने ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में बताया करो। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।